अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करना बंद करो। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से और एक नए वीडियो पर। तो अभी मैं पहुंचा हूं नामसाय में। तो आज मतलब एक रैली करने वाला है जो कि बांग्लादेश के बारे में काफ़ी सारे घटना हुआ था, तो बाद में इसके बारे में मैं डिटेल करके बताऊंगा आखिरकार क्या हुआ है। तो अभी स्टार्ट करेंगे, मतलब अभी से स्टार्ट होगा वो रैली ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ से कोफीमाओ ग्राउंड से डायरेक्ट वो डीसी ऑफिस तक ही होगा। काफ़ी सारे आदमी आ चुका है यहाँ पर। सो प्रोटेस्ट के लिए काफ़ी सारे आदमी आ चुके हैं। हाय, पीसफुल प्रोटेस्ट रैली। तो यहाँ पर लगभग होगा 3000 से ज़्यादा आदमी हो सकता है यहाँ पर, वो भाग लिए हैं काफ़ी सारे। तो सबके सब बुद्धिस्ट कम्युनिटी का लोग ही है यहाँ पर। सो दोस्तों, वीडियो के अंत तक मिलेगा ये क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं आखिरकार, के वीडियो में डाल दूंगा मैं। बहुत ही लंबा लाइन है भाई। अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करना बंद करो। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। बने रहे। विजय हो, विश्व में मैत्री का विजय हो, विजय हो, विजय हो। करुणा बना रहे, बना रहे, बना रहे। करुणा बना रहे, बना रहे। बंद करो। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करना बंद करो। बंद करो। बंद में शांति बना रहे, बना रहे, बना रहे। विश्व में शांति बना रहे, बना रहे। तो दोस्तों, मैं ज़िंदगी में पहली बार ना तो ऐसा वाला प्रोग्राम का हिस्सा में आया हूँ। मैं एक्चुअली में आता नहीं था, तो काफ़ी मतलब दोस्तों मतलब ओवर कर रहा है बांग्लादेश में वो माइनॉरिटी के खिलाफ अत्याचार बहुत होते हैं। ये तो कई सालों से होते आ रहा है अत्याचार, तो इसलिए शांति के लिए यहाँ पर पूरा पीसफुल रैली हो रहा है। तो उसका विरोध के लिए भी है, जो कि बांग्लादेश गवर्नमेंट ना बहुत अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पर बुद्धिस्ट कम्युनिटी और हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, तो ट्राइबल कम्युनिटी के खिलाफ में बहुत अत्याचार होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सब भी ट्राइबल वेल लोग मिल के इसी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ की वो अत्याचार का खिलाफ, बांग्लादेश की अत्याचार के खिलाफ। बने रहे, बने रहे। बंद करो, 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 विजय हो, विजय हो, विजय हो, विजय हो, विजय होना चाहिए।
हिंसा करना बंद करो, अहिंसकों के ऊपर हिंसा करना बंद करो, अहिंसकों के ऊपर हिंसा करना बंद करो। तो बांटी जी लोग दर्शन कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स सभी लोग को करो, बंद 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 करो। विश्व में शांति का विजय हो, विजय हो, विजय हो। दया करुणा बने रहे, विजय हो, विजय हो। दया करुणा बने रहे, विजय हो, दया करुणा बने रहे, बने रहे, बने रहे। अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। इसको क्या करने वाले हो? जलाएगा इसको, जलाएगा, हाँ जिंदा जलाएगा, मिलने से भी जिंदा जलाएगा। ओ ऐसा है, पूरा लगभग आ चुके हैं 4-5 हजार के आसपास इसमें आदमी आ चुके हैं, बहुत आ चुके हैं। तो उनमें से मैं एक ही और भाई इतना भीड़ है भाई, हम लोग सभी लोग यहाँ में जो उपस्थित हुआ शांति लोग जितना भी जहाँ जहाँ से रहे हो तो वो सुखी हो, ये चीज हम बदलते हैं, परंतु ठंड हो। तो गैस अभी यहाँ से चलते हैं क्योंकि वो पीसफुल रैली सक्सेसफुल हो चुके हैं, सबको यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है, चलते हैं। टाइम बहुत लंबा हो रहा है और बर्बाद भी हो रहा है एक्चुअली, तो ये कम्युनिटी के लिए और अपना समाज के लिए तो टाइम बर्बाद करना तो ये आम ये तो कोई बात नहीं, और भी बर्बाद कर सकते हैं, बर्बाद नहीं भाई, इसमें टाइम इन्वेस्ट कहते हैं भाई। तो अभी चलते हैं, सभी लोग सभी लोग नारा लगा रहे हैं क्योंकि पीसफुल रैली सक्सेस हो गया, इसलिए जाते हैं भाई यहाँ से। और मैं वीडियो को मैं खत्म करते करते डिटेल करके बताऊंगा आखिरकार क्या हुआ, क्यों हुआ और ये सब क्यों कर रहे हैं यहाँ पर 4-5 हजार आदमी आके। पूरा भीड़ है भाई, पूरा भीड़ है, आगे पीछे पूरा रोड ब्लॉक पूरा भीड़ है। चलते हैं। आंगुरी ए कांगरा कहाँ गया? हाँ आंगुरी ओह इतना आदमी है यार, 5 हजार से ज्यादा होगा शायद पूरा आदमी। तो दोस्त अपना बॉयफ्रेंड को क्यों लेके नहीं आया तू? वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, लाना चाहिए साथ में, उसको शर्म लगता है। ओके ओके, पूरा नमसा था आस पास बढ़ती हो गया, पूरा इतना आदमी आके। और मैं यहाँ से कुछ सामान लिया, तो तबीयत खराब का सामान मेरा नहीं दूसरा का। दायन से ना काफी सारे लोग आए हैं, तो वो लोग दायन की तरफ पर जाएंगे और हम लोग अपना चौकाम से आए हैं, तो हम लोग जाएंगे चौकाम की तरफ पे, दायन वाला इस तरफ। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ना सबसे ज्यादा नंबर आए हैं दायन से, तो वहाँ के लोग बहुत आया है, वहाँ के लोग आए हैं। और ये तो ऑर्गेनाइज किया गया है अरुणाचल प्रदेश दिक्कु संघ के द्वारा। तेल भरवाते हैं, फूल करवाते हैं यहाँ से,
और ये है मेरा काजिन ब्रदर मिस्टर कूपन COPUL कूपन कूल कूल बाय कूल। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं प्रोटेस्ट पीसफुल रैली वाला कंप्लीट होने के बाद। तो आते आते मेरा बाइक मैंने बनाया है, तो बनाने के बाद घर में पहुंच चुके हैं, पूरा रात हो चुके हैं। तो गैस एक्चुअल रीजन क्या है, ये तो एक्चुअली बांग्लादेश का घटना है। तो बोले तो हम लोग का कम्युनिटी का और हिंदू कम्युनिटी का, त्रिपुरा कम्युनिटी का और काफ़ी सारे हिंदू का रिलेटेड है ये। एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था ना 18 तारीख को, तो इसी महीना स्टार्ट हुआ था। उस समय प्रोटेस्ट हो रहा था, लगभग वहाँ पर 40,000 वो स्टूडेंट थे वहाँ पर। आठ पॉइंट कुछ डिमांड कर रहे थे सरकार से प्रोटेस्ट कर करके पीसफुल रैली का उस समय। तो वो सक्सेस होने के बाद वो शाम को ना तो लगभग 4 बजे एक छोर ने एक स्टूडेंट के बाइक लेके फरार हो रहा था, स्पीड करके भाग रहा था। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक का खंभा है ना, इलेक्ट्रिक स्तंभ, तो वहाँ पर टकरा के वो वहाँ पर बेहोश हो गया, एक्सीडेंट हो गया। वो एक्चुअली बाइक चोरी करके लेके जा रहा था। तो वहाँ का इंडिजिनियस स्टूडेंट लोग चोर 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 करके मतलब मुंह से बोला है, मतलब उसको पत्ता वाता कुछ तो मारा नहीं, बस ऐसे कर करके पूरा उन्होंने क्या किया कि वो होश पे नहीं था इतना, क्योंकि पकड़ा जाएगा इसलिए चोरी मतलब रैथ है। तो स्पीड जा रहा था तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक खंभे में लग के उसका वहाँ पर वो अधमरा हो गया, अनकॉन्शियस हो गया उसमें। तो वो चोर बंगाली मुस्लिम चोर वहाँ का, वो खगड़ाछड़ी का वहाँ का लोकल, तो वहाँ से ना हॉस्पिटल में लेके गया। वो डॉक्टर लोग घोषित किया कि मर गया, मृत घोषित किया। उसका बाद क्या किया वहाँ का उसका ना वो चोर ना बोल दी, वो चोर का खिलाफ ना पुलिस स्टेशन में काफ़ी सारे उसका रिकॉर्ड है वहाँ पर, वो चोरी का रिकॉर्ड है उसी का। तो उसको सपोर्ट के ऊपर में ना उस वहाँ का लोकल बंगाली मुस्लिम लोग प्रोटेस्ट किए हैं उसको सपोर्ट, क्योंकि वो लोग का सबसे पहले आता है रिलीजन, चाहे कानून जो भी हो, कानून गया बार में तो सबसे पहले वो लोग देखेंगे कि रिलीजन, चाहे अमीर हो गरीब हो, तो सबका मानसिकता एक ही होते हैं बांग्लादेश में। तो दोस्तों बांग्लादेश का ना मानसिकता एक ही होते हैं कि दूसरा को मारो, ये तक सदियों पहले से चलते आ रहा है। तो वो चोर के सपोर्ट में वो लोग क्या प्रोटेस्ट किए हैं, तो प्रोटेस्ट करने के बाद पुलिस वो वहाँ का आर्मी लोग शांत किया और फिर से स्टार्ट किए हैं 19 तारीख को स्टार्ट किए हैं। और उसके बाद 19 तारीख को ना आने के बाद आर्मी के साथ वहाँ का लोकल इंडिजिनियस हिंदू कम्युनिटी भी हिंदू से मर गया है, त्रिपुरा कम्युनिटी का और चकमा कम्युनिटी का वहाँ पर भी मर गया है आर्मी फायरिंग में। तो काफ़ी सारे वहाँ पर तो रिपोर्ट में मतलब देखा रहा कि 100 से ज़्यादा वहाँ के लोकल लोग से मैं बात भी किया वो व्हाट्सएप फेसबुक में ही, तो 100 से ज़्यादा लोग को मतलब गोली मारा है वहाँ के आर्मी लोग ही और पब्लिक के साथ मिलकर ही। वहाँ पर ना डायरेक्ट अटैक करने का अधिकार है, किसी मतलब बड़ा ऑफिसर से परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट किसी को भी गोली मार सकते हैं वो। बांग्लादेश में अभी ऐसा हाल बन चुका है, जब से तख्ता पलट हुआ है तब से ऐसा हुआ, मतलब तख्ता पलट होने से पहले भी ऐसा होता था। तो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर में, क्रिश्चियनी कम्युनिटी के ऊपर में और बुद्धिस्ट, ज़्यादातर बोले तो बुद्धिस्ट और हिंदू के ऊपर में ज़्यादा अत्याचार करते हैं बांग्लादेश का वहाँ का बंगाली मुस्लिम लोग। तो काफ़ी सारे आर्टिकल में लिखा हुआ है ओपनली, और कुछ लोग बोलेंगे यह झूठ है, गलत है, गलत नहीं भाई, ये पूरा रियल है। तो एक्चुअली हम लोग का ओरिजिन भी बांग्लादेश का है। बांग्लादेश में ना चित्तागोंग हिल ट्रेस में 1947 में 97% जनसंख्या था, तो अभी गते 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 CST में 50% से भी कम हो चुके हैं। पहले ना 1947 में पार्टीशन से पहले बांग्लादेश में वहाँ का वो चकमा मरमा टंगसंख्या त्रिपुरा सब मिला के 97% से ज़्यादा था। तो अभी तो 2022 में कितना घट चुके हैं, वो धर्म परिवर्तन करा करा के वहाँ से भगा दे दे के मार मार के कितना नीचे जा चुके हैं अभी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कुछ लोग कहेंगे कि वो हसीना के गवर्नमेंट पे ऐसा नहीं था, नहीं भाई उससे पहले भी होता था, उस समय सोशल मीडिया का ज़माना भी नहीं था, उस समय भी हुआ करता था यही हाल बांग्लादेश का हाल। सो वहाँ पर ना काफ़ी सारे वो मरते हैं हर साल, मर्डर होते हैं, बलात्कार होते हैं वहाँ के, वहाँ पर तो कोई एक्शन टेक्शन तो होता नहीं, वहाँ का वो लोग का खुद का गवर्नमेंट है, मंत्री भी वो लोग का बंगाली मुस्लिम का, आर्मी भी, पुलिस सब, कानून सब वो लोग का। तो वो लोग का खिलाफ ना कोई भी कुछ बोल नहीं सकते हैं,
तो आप फेसबुक में ना पोस्ट कर, उन लोग का खिलाफ पोस्ट करने से आपको दून दून के आपको जान से मार देंगे, ऐसा हाल है वहाँ पर। वो कानून की दर्जा उड़ा दिया है वहाँ पर, तो कोई अरेस्ट वरेस्ट कोई कार्रवाई था कुछ भी नहीं होता बांग्लादेश में। और वहाँ पर ना ह्यूमन राइट हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी सच बात बोल नहीं सकते हैं सरकार के खिलाफ, वहाँ का लोकल बंगाली लोग का खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकता है। बोलेगा तो आपको रातों रात गायब कर देंगे, बिना केस के साथ आपको वहाँ पर रख देंगे, पूरा जेल में रख देंगे। ऐसे हालत है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश का हाल ऐसा हाल हो चुका है, नरक से बदतर हो चुके हैं। और अफगानिस्तान जैसा है बांग्लादेश का हाल। तो वहाँ पर ऑफिशियल तो 4 आदमी मतलब मरा है रिसेंटली, लेकिन उससे भी ज़्यादा है वो अनऑफिशियली। गाँव के लोग बताते हैं कि काफ़ी है मर चुके हैं वहाँ पर। और वहाँ पर यूट्यूब क्रिएटर और फेसबुक में क्रिएटर होते हैं, वो लोग का अगेंस्ट में या वो लोग का वीडियो को अपलोड करने से उसको ढूंढ ढूंढ के उसको मारते हैं, पीटते हैं उसको या उसको डिटेन करते हैं। ऐसा हाल है बांग्लादेश का हाल। इसलिए ना वो वहाँ का लोकल क्रिएटर लोग इसके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, हम लोग जो बोल सकते हैं हम लोग वो इंडिया से ही बोल सकते हैं। और जो वो लोग के खिलाफ में कुछ बोलेगा, वो लोग का अकाउंट को हैक करते हैं, फेसबुक पे यूट्यूब चैनल पूरा हैक करके उल्टा सीधा कर देते हैं बांग्लादेश का। मैं काफ़ी सारे में व्हाट्सएप ग्रुप में देख चुका हूँ मैं बांग्लादेश का यूट्यूबर लोग का ही ऐसा हाल हो चुका है। फेसबुक मतलब वो हैक किए हैं, इवन यूट्यूब चैनल भी हैक किए हैं। हैक करा के क्या करते हैं कि अश्लील वीडियो डाल देते हैं, उसके बाद चैनल को परमानेंटली रिमूव करवा देते हैं। ऐसा हाल हो चुका है बांग्लादेश का हाल। और वो बांग्लादेश में जब भी हिंदू का खिलाफ बुद्धिस्ट के खिलाफ वायलेंस होते हैं तो एनी टाइम टारगेट करता है कि वहाँ का मंदिर, तो मंदिर से क्या लेना देना है, आदमी से तो अलग बात होता है, तो मंदिर को भी तोड़ते हैं। वो लोग का डायरेक्ट अटैक है कि मंदिर को भी तोड़ दो। दोस्तों एक ही छोर को बचाने के लिए, पूरा क्रिमिनल को बचाने के लिए तो वहाँ पर ना आर्मी हो, पुलिस लोग, पब्लिक लोग मिल के ही बदला लेते हैं वहाँ का माइनॉरिटी से ही। वो एक छोर था, उसका खिलाफ काफ़ी सारे केसेस चल रहा था, फिर भी क्योंकि वो इस्लाम रिलीजन से बिलोंग करता है इसलिए, तो उसके लिए बदला लेने के लिए आर्मी पुलिस पब्लिक लोग सब लोग मिल के ही वहाँ पर माइनॉरिटी लोग को ही रात को आके ही फायरिंग किया है। कितना घर जला दिया, कितना मंदिर तोड़ दिए हैं, कितना मूर्तियाँ तोड़ दिए हैं हिंदू का बुद्धिस्ट का। ऐसे हाल है बांग्लादेश में। तो वो लोग का सबसे पहले देखता है कि कौन सी रिलीजन का विक्टिम और क्रिमिनल हो या जो भी हो, कुछ देखता नहीं। अरे भाई हमारे धर्म का लोग को मारा, हमारा धर्म का लोग को मारा है, ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होता है भाई। खराब है तो खराब, उसको फेंक दो, उसके खिलाफ सजा दो, उसके खिलाफ एक्शन लो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो लोग का मेन थिंग होता है रिलीजन, रिलीजन के लिए वो लोग सब कुछ कर सकते हैं। बांग्लादेश के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो इंडिया में भी इन फ्यूचर ऐसे हाल हो जाएगा धीरे धीरे करके, इसको याद रखना। अभी असम का क्या हाल हो रहा है, और हम लोग तो बुद्धिस्ट लोग चकमा लोग तो किसी के साथ भी हम लोग मिलजुल के रहते हैं, कोई झगड़ा वगैरह नहीं होते हैं, कोई वायलेंस नहीं होते हैं। हर जगह में अरुणाचल में, असम में, त्रिपुरा में, मिजोरम में रहते हैं हमारे समाज के लोग, कहीं भी कहीं पर भी मतलब कम्युनिकल वायलेंस नहीं होते हैं। लेकिन वो लोग का साथ रहने से लोग ना हिंदू के साथ भी मतलब गोल मिलकर रह नहीं सकते हैं, बुद्धिस्ट का क्रिश्चियन के साथ रह नहीं सकता है, हमेशा झगड़ा होते हैं, पूरा वायलेंस होते हैं, पूरा वायलेंस ऐसे होते हैं। वो ये तो ये बोले तो सिर्फ पॉलिटिक्स और धर्म गुरु के ऊपर में डिपेंड होते हैं, वही लोग सब मिसलीडिंग करते हैं, वो लोग का बोले से सब कुछ होते हैं। शुरुआत में तो इंसान तो जन्म होता है नंगा जन्म होता है, खोखला पूरा, उसका बड़ा होते 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 उसका दिमाग में जहर भर देते हैं, उसका जहर बढ़ने के बाद जहर उगलते हैं। इतना इसके बारे में मीडिया लोग इतना बात नहीं करता है क्योंकि इस का बारे में बात करने से टीआरपी नहीं मिलता है, इसलिए तो इंडिया क्या मीडिया लोग इतना बात नहीं करते हैं। और लेकिन आजकल इसके बारे में तो बात ही करने लगा धीरे धीरे करके। और दोस्तों वीडियो तो काफ़ी लंबा होगा, तो मैं इसके लिए ना कभी दिन में लंबा करके वीडियो बनाऊंगा आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है। और मैं ना शायद मैं इसका वीडियो क्लिप में प्ले कर नहीं पाऊंगा, कारण यह है कि तुरंत ये वीडियो एडिटमेंट हो जाएगा, वो चीज़ तो देखना अलाउ नहीं है। कितना ब्रूटली मारते हैं वहाँ पर बांग्लादेश में, इवन बुद्धिस्ट मॉन्क को भी मार देते हैं और साधु संत को भी मार देते हैं, ऐसा हाल है बांग्लादेश का हाल। तो भाई तो गाइस अभी वीडियो को ख़त्म करेंगे, तो मिलेंगे कल फिर से और एक नया वीडियो के साथ। तो बाय बाय गाइस।